Hello everyone. First of all, good morning and belated Happy New Year. और ये जो part है ये है pipe and cistern का. और ये topic बहुत ही easy है. इसके बस तीन या चार types हैं. अब बहुत ही easy chapter एक video में ख़त्म करना था मुझे. तो इससे पहले जिन्होंने मेरा पहला part नहीं देखा time and work का, अब वो part ज़रूर देखें, क्योंकि अगर वो part नहीं देखोगे तो फिर ये समझ में बहुत मुश्किल होगी. मैंने इसमें ये चीज़ नहीं बताई कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आया. पहले पार्ट में मैंने सारी चीज़ें बताई कि फ्रैक्शन वैल्यू कैसे आता है, उसका यूज़ कैसे करना है. यूज़ कैसे करना हो तो इस पार्ट में भी, लेकिन क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ऐसा क्या नहीं कि अगर मैं सारे पार्ट्स में एक ही चीज़ को बताऊँगा तो वीडियो फालतू का 10 मिनट एक्सटेंड होगा और बिना मतलब के लंबा खींचना मुझे नहीं लगता कि कहीं से सेंसिबल काम है. तो आप वो पार्ट देख लो पहला पार्ट, उसके बाद इस पर आना और फिर आपको समझ में आएगा कि क्यों हो रहा है. जैसे अगर मैं अभी मान लो 10 डेज़ को लिख दूँ, 10 को लिख दूँ 10% और 15 को लिख दूँ 6.66%, तो आप ये नहीं समझ पाओगे क्यों हो रहा है ये. ठीक है, वैसे यहाँ बता देता हूँ, 100 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 6.66 होगा, लेकिन ये क्यों डिवाइड करेंगे ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट वन में बताई है और क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है. अब फर्स्ट फर्स्ट पार्ट देख लो, उसके बाद इस पे आना. एंड सेकेंडली क्या है कि जो ये इसके चार या पांच टाइप्स हैं, जो भी टाइप्स हैं मैंने इस वीडियो में बता दिया है. और अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक में फेसबुक लिंक है वहाँ पर पोस्ट कर सकते हो. सारी चीज़ें आपको मैंने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जहाँ कन्वीनियंट लगे आप वहाँ पर पोस्ट कर देना क्वेश्चन, और जितनी जल्दी हो सकेगा मैं रिस्पॉन्ड कर दूँगा. बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में जो कर देंगे आपका आंसर. एंड जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें. सो अब सब्सक्राइब करने के क्या फ़ायदे हैं, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके. सो जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, आप देख सकते हो. और मैथ इज़ बहुत ईजी है. मैथ बहुत सारे लोगों को मैथ में बहुत प्रॉब्लम थी, बट आई थिंक कि मैथ बहुत ईजी है अगर करेक्ट अप्रोच हो तो. ठीक है, चलो देखते हैं आगे के क्वेश्चंस, बकवास बहुत हो गया. इसका भी सेम लॉजिक टाइम एंड वर्क पे ही है, 100% ये उसी पे है, बस वर्ड्स चेंज कर दो. अगर मान लो दो पाइप है, ए है जो 10 मिनट में भर रहा है, बी है जो 20 मिनट में भर रहा है, दोनों मिलके कितने दिन में करेगा, 6 2/3 दिन में करेगा, 6 2/3 मिनट में करेगा, नॉट दिन में. ठीक है, अब वही हम उसमें भी करते हैं टाइम एंड वर्क में. ए है 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलके कितने दिन में करेगा, परसेंटेज ही करते थे. 10 का कितना हो जाएगा, 10%, बी का हो जाएगा 5%, 15%, 15% का वैल्यू क्या होता है, 6.66 मिनट में भर देगा. या फिर अगर मान लो ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, 6.66 डेज में. ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है. अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तभी बनाना, नहीं है तो मत बनाना. बनाओगे फिर एलसीएम से बनाओ, लेकिन उसमें क्या होगा ना फिर जो वही लेंदी मेथड, उतना कैलकुलेशन हम लोग करने लायक है नहीं, हम तो बेसिकली नहीं करते. अगर मान लो कोई बेसिक सा क्वेश्चन लेता है, पहला सिंपल क्वेश्चन, एक टंकी है, इसमें बस तीन या चार टाइप का क्वेश्चन होगा, तीन ही टाइप के क्वेश्चन है इसके. पहला दो टंकी भरेगा, दूसरा कि जो दो भरेगा एक खाली करेगा, तीसरा रहेगा कि दो भर रहा है एक इतने देर में खाली कर रहा है, इतना लीटर पर मिनट खाली कर रहा है, और चौथा जो भी हो. पहला क्वेश्चन है मान लो क्वेश्चन वन, ए जो है किसी टंकी को 10 मिनट में भर देता है. ठीक है, बी जो है उस टंकी को 20 मिनट में भरता है, 20 मिनट में भरता है, और सी जो उस टंकी को कितना कर दें, 40 कर देते हैं, 40 मिनट करें, 50 मिनट को कुछ भी करते हैं, चलो पहले बेसिक पे. ए 10 मिनट कर रहा है, बी 20 मिनट में कर रहा है, 10 मिनट किसका है, 10%, 100/10. ये चीज़ तभी समझ में आएगा जब पहला पार्ट टाइम एंड वर्क का करो या फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से याद कर लो. दूसरा 5%, ठीक है, तो दोनों मिलके कितना करेगा, ए प्लस बी कर रहा है टोटल, 10 प्लस 5 बराबर
15%, ठीक है, 15% किसका वैल्यू है, 6.66, है ना, 15% का वैल्यू हो जाएगा 6.66, और 6 2/3 मिनट में दोनों भर देगा टैप को, ठीक है। अब मान लो तीसरा एक और थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड टाइप पे, दूसरे टाइप पे आते हैं, नॉट थर्ड टाइप पे, ये तो हो गया इजी था, इसी तरह इसी बेसिक पे सारे को इसी बेस पे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। एक है 10 मिनट में भर रहा है, दूसरा है 5 मिनट में भर रहा है, तीसरा है जो 40 मिनट में खाली कर रहा है, एम्प्टी एम्प्टी कर रहा है, फिर क्या करेंगे। 40 का वैल्यू है 2.5, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फ्रैक्शन वैल्यू याद करो बस, 10%, 5%, 15%, -2.5%, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 10 + 5 - 2.5 इज इक्वल टू 12.5, ठीक है। 12.5% किसका है, 12.5 इज इक्वल टू 1/8 का है, विच मीन्स कि 8 मिनट में तीनों मिलके भरेंगे टैप को, ठीक है, 8 मिनट। ये बस 12.5 1/8 का वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू पहले पार्ट में टाइम एंड वर्क के सारा बताया है मैंने, उसमें देखोगे याद करने भी बोलें तो आराम से कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस 2, 3, 4 सेकंड बहुत मुश्किल, बहुत हार्डली 4 सेकंड होंगे। ये हो गया दूसरा टाइप, अब तीसरा टाइप क्या है, थर्ड टाइप का कोई एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ए 10 मिनट में भर रहा है, बी 15 मिनट में भर रहा है, सी है जो कुछ मिनट में टैप को फिल कर रहा है, ठीक है, वो नहीं पता है, और तीनों मिलके 6 मिनट में फिल कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 मिनट, तीनों मिलके 6 मिनट में कंप्लीटली फिल कर देना टैप को। ए 10 मिनट में भर रहा है, बी 20 मिनट में भर रहा है, सी कुछ टाइम में कर रहा है, वो गिवन नहीं है, और तीनों मिलके 6 मिनट में फिल कर दे रहे हैं, तो सी अकेला कितने देर में करेगा, सी अलोन विल फिनिश इन, कितने देर में सी भरेगा। अब देखो 6 मिनट का मतलब 16.66% पर मिनट, ठीक है, 100/6, फिर से फ्रैक्शन वैल्यू याद करोगे तभी होगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, होगा बस कैलकुलेटिव है। 16.66 मिनट हो गया इसका, अगर सी कर रहा है, तीनों मिलके कर रहा है, अब तुमको पता है कि ए और बी मिलके कितना कर रहा है, अगर 16.66% तीनों करते, विच मीन्स कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके करता, तब होना चाहिए था 16.66%। तुमको ए प्लस बी का पता है कि 10 + 5 है, ये प्लस एक्स मान लिया मैंने 16.66, अगर इसको घटाएंगे तो 15%, यानी कि सी की वैल्यू आ जाएगी 1.66%, जो कि 60 मिनट का फ्रैक्शन वैल्यू है, 60 का है, यानी कि सी जो है 60 मिनट में फिल करेगा टैप को, ठीक है, क्योंकि 1.66 जो है 1/6 का है, 1.1/60 का है। ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं, ये दो टाइप हो गए, थर्ड क्वेश्चन था कि ए बी, चलो थर्ड टाइप, ए है जो 20 मिनट में भर रहा है, बी है जो 24 मिनट में फिल कर रहा है, ठीक है, और सी है जो 3 लीटर LTR पर मिनट खाली कर रहा है, ठीक है। टैप वन है जो 20 मिनट में भर रहा है, टैप बी है जो 24 मिनट में भर रहा है, टैप सी है जो 3 लीटर पर मिनट खाली कर रहा है,
तो अगर तीनों को ऑन किया गया, ए प्लस बी प्लस सी को ऑन किया गया, तो 15 मिनट लगे फिल होने में, 15 मिनट लग गए। तो बताना है कि टैप की धारिता कितनी थी, टैप की एफिशिएंसी क्वांटिटी कितनी है, वॉल्यूम कितना कंटेन कर सकता है टैप, सॉरी टंकी नॉट टैप। तो देखो 25%, 24, 4.17, ठीक है, 15 डेज, 6.66%, 100/15, 100/20, 100/24, ये सारा चीज़ टाइम एंड वर्क के पहले पार्ट में बहुत अच्छी तरह से बताए हैं। देखो अब क्या है कि तुम्हें पूछा गया टैप के कैपेसिटी कितनी है, सॉरी टंकी की, ये तीनों मिलके भर रहे हैं 6.66%, और ये दोनों भर रहे थे 9.17। ए प्लस बी कितना फिल कर रहा है, ए प्लस बी कर रहा है 9.17% पर मिनट, और ए बी सी जब चल रहा है तो 6.66% ही फिल हो रहा है, विच मीन्स कि जो 9.17 - 6.66 इज इक्वल टू 2.5% पर मिनट जो है सी खाली कर रहा है ना। कि अगर ये दोनों मिलकर 9% फिल कर रहे हैं और टैप सी को चला रहे हैं तो वो 6% ही भर रहा है, तो इसका मतलब कुछ खाली कर रहा है, वो खाली कितना कर रहा है, माइनस करेंगे तो 2.5% खाली हो रहा है। 2.5% इज इक्वल टू 1/40, ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। अब तुमको दिया है कि 1/40 इज इक्वल टू 3, देन 1 इज इक्वल टू 40 × 3 विच इज 120। अब इस क्वेश्चन को ओरली कैसे करना था, तुम्हें पता है कि 5.5% और 4.1 9.17 होगा, और उसमें 6.66 घटा देंगे। अगर ओरली नहीं करते 2.5 का पेपर पर ले लिए 2.5, और 2.5% किसका वैल्यू है, 40 का, 40 बराबर यानी कि 2.5% कर रहा है तो वो 3 लीटर कर रहा है। 100% निकालो, 2.5% इक्वल टू 3, तो 100% इक्वल टू 140, 120। ये क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएंगे देखते ही देखते। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन था एफिशिएंसी का। मान लो टैप ए जो है, ए इज थ्राइस एफिशिएंट, THRIC, थ्राइस ई एफिशिएंट, एफिशिएंट टू बी, ठीक है, बोथ कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट, ठीक है, ए अकेला कितना करेगा, हाउ मच टाइम बी विल टेक, अलोन टू फेल, ठीक है। अब देखो ए क्या है, थ्राइस एफिशिएंट है बी के, ठीक है, और दोनों करते हैं 20 मिनट में, है ना। अब एक चीज़ बताओ, एक होता है विद्वानों का मेथड, 1/x, 1/3x, वो चीज़ करेंगे कभी इस ज़िंदगी में, तो हम नहीं करेंगे, अगले जन्म का नहीं पता, लेकिन इस जन्म में हम नहीं करेंगे उस चीज़ को, पर्सनली मैं नहीं करूँगा उस चीज़ को। थ्राइस एफिशिएंट है ए बी, विच मीन्स कि ए 3 करता है, ये 1 यूनिट करता, हो गया थ्राइस एफिशिएंट। अगर एक दिन में ए बी 1 यूनिट कर रहा है, बी सी सॉरी ए 3 यूनिट कर रहा है, दोनों एक दिन में कितना कर रहा है, 3 + 1 = 4 यूनिट, है ना, एक दिन में दोनों मिलके 4 यूनिट कर रहा है, 20 डेज काम हुआ, तो टोटल कितना यूनिट हो गया, 20 × 4 इज इक्वल टू 80, ठीक है ना, 80 यूनिट काम हो गया। अब तुम्हें पूछा कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, बी की एफिशिएंसी 1 है, उसको 1 से डिवाइड कर दो तो बी करेगा 80 मिनट में, हो गया। अगर पूछा ए कितने दिन में करेगा, 80 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 26 पॉइंट कुछ आएगा, हो गया। अब क्वेश्चन लेते हैं एक और,
अलग टाइप, जो इसका तीसरा चौथा टाइप कह सकते हैं। पाइप एंड सिस्टम बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें कुछ है ही नहीं। टाइम एंड वर्क अगर कर लिया है तो इसमें तो कुछ भी नहीं बचा है। इसके ना तो ज़्यादा टाइप्स हैं, कोई टंकी फिल कर रहा है, कोई खाली कर रहा है, कोई छोड़ के चला गया, कोई करना है, किसी ने किया नहीं। अब इसका एक टाइप है जैसे कि टैप ए है, वो 20 मिनट में भर रहा है। टैप बी है जो, टैप ए है 10 मिनट में भर रहा है, ठीक है। टैप बी है 15 मिनट में भर रहा है। दोनों को चलाया गया, दोनों को 2 मिनट के लिए चलाया गया। ए प्लस बी को 2 मिनट के लिए चलाया गया, ठीक है। यार क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, चलो ऐसे करते हैं। टैप ए 10 मिनट में कर रहा है, टैप बी 20 मिनट में कर, 15 मिनट में कर रहा है। दोनों टैप को, ए प्लस बी को 2 मिनट के लिए चलाया गया, उसके बाद ए चला गया छोड़ के, ठीक है। बी चला गया छोड़ के, ए ही चला गया छोड़ के, कोई भी चला गया, मतलब ए चला गया छोड़ के। देन टी एच इन देन ए लेफ्ट, तो बचा हुआ काम बी कितने में करेगा, समझे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। टैप ए जो है किसी टैंक को 6 मिनट में फिल कर देता है, ठीक है। जब हाफ टैंक, टैंक को जब हाफ फिल होने के बाद, पहले टैप ए को चला गया, जब टैंक हाफ भर गया, उसके बाद तीन और टैप सेम एफिशिएंसी, ए की ही एफिशिएंसी के तीन और टैप को फिल कर ऑन किया गया, तो बताना है कि अब जो है टैप कितने टाइम, सॉरी टैंक जो है कितने टाइम में फिल हो जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6.6 डेज है, या देखो 16.66। ये नहीं समझ में आएगा उसको जो फ्रैक्शन वैल्यू और पहला पार्ट टाइम एंड वर्क का नहीं देखा है। अब देखो 6.66 ए की एफिशिएंसी है, ठीक है। अगर आधे टैंक के भरा होगा, अब सीधा से इसको ओरली करने के लिए बताते हैं। टैप ए जो है 6 मिनट में पूरा भर देता है, तो 3 मिनट में 50% भर देगा। आधा टैंक भरने में 3 मिनट में, हाफ टैंक फिल्ड बाय ए हो गया 3 मिनट में। अब क्या है कि बाकी भरना है और आधा टैंक। अब एक टैप जब 6 मिनट ले रहा है तो उसका 4 गुना करेंगे, अगर मान लो एफिशिएंसी 4 गुना बढ़ गई, 4 टैप आ गए, तो उसका टाइम जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, तो विच मीन्स कि हो जाएगा 1.5। पूरा टैंक जो है एक टैंक कर रहा है 6 मिनट में, तो 4 टैंक करेगा 1.5 मिनट में, ठीक है, ठीक है। इसको मिनट नहीं, इसको आवर कर देते हैं, मिनट में थोड़ा कैलकुलेटिव है, आवर कर देते हैं, ठीक है। एक टैंक कर रहा है 6 आवर में, तो 4 टैंक करेगा 1.5 आवर में, विच इज इक्वल टू 90 मिनट्स में फुल कर देगा, 90 मिनट हो गया। अब ये हम 4 टैंक यहाँ क्यों लिखे, क्यों 4 टैप क्यों लिखे, क्योंकि पहले एक था, एक चल रहा था, आधे भरने के बाद फिर 3 और चला, तो टोटल 4 टैप हो गया। अब चारों टैप को जो है उस टैंक को फिल करने में लगता 90 मिनट, तो हाफ ही भरना है तो कितना लगेगा, जब हाफ ही भरना है तो 90/2 कर देंगे, विच इज 90/2 कर देंगे, विच इज इक्वल टू 45 मिनट, ठीक है। अब देखो चारों टैप को, इसको और ये जो 3 अलग से चला गया उसको लगे 45 मिनट फिल करने में आधा, और एक अकेला लगा था 3 आवर आधा भरने, तो विच मीन्स कि टोटल टाइम लगेगा 3 आवर 45 मिनट लगेगा, ये आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे इसका भी यूज़ नहीं है, यहाँ पे इस फ्रैक्शन वैल्यू का भी यूज़ हमने नहीं किया, इससे भी ज़्यादा तेज बन गया। तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, एक बार फिर से इसको देख लो।
एक टैंक टैप है जो 6 घंटे में पूरा भर देता है, तो 3 घंटे में आधा भरेगा, आधा भर दिया ये। अब बाकी का आधा जो है ए के जैसे ही चार और टैप, तीन और टैप मिलकर करेंगे, टोटल 4 टैप हो गया। अगर ए अकेला इसको 6 घंटे में करे तो चारों मिलकर करेगा 1.5 घंटे में, 90 मिनट में करेगा, चारों 90 मिनट में पूरा भर देगा। लेकिन उसको भरना कितना है, आधा ही भरना है, क्योंकि आधा 3 घंटे में ए ने अकेला भर चुका है, भर दिया है। तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा, 45 मिनट लगेगा आधा भरने में। तो 3 आवर एंड 45 मिनट में टैप जो है, सॉरी टैंक जो है पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, कल क्वेश्चन आया था हमको, कल नहीं आज ही आए थे कॉल पे, कि जो कितना बुक पढ़े मैथ्स के लिए, कितनी सारी कौन कौन सी बुक्स अच्छी है, कौन कौन सी बुक अच्छी है। सबसे पहले तो आर एस अग्रवाल, बिना उसका तो मैथ्स स्टार्ट करना ही बेवकूफ़ी है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि एक स्टोरी बताते हैं, द्रोणाचार्य के घर में एक बार ये चल रहा था, जगराता हुआ था, जगराता नहीं भंडारा था। तो जब सब कोई खाने बैठ गया, सब लोग चले गए, तो उसके स्टूडेंट जब खाने के लिए बैठे थे, तो केले के पत्ते पे खाना दिया गया था। जैसे उसके स्टूडेंट बैठे तो लाइट चली गई, जो भी हुआ अंधेरा हो गया पूरा। लेकिन सारे बच्चे जब खाए अंधेरे में ही खाए, और जब लाइट जलाया गया तो देखा गया कि एक भी दाना उन लोगों के पत्ते से बाहर नहीं गिरा है। जितना भी था, जितने लोग खाए थे, जितने भी उसके स्टूडेंट थे, जितने भी खाए, एक भी दाना पत्ते के बाहर नहीं गिरा। तो अर्जुन इस पर क्वेश्चन किया था कि गुरुदेव ऐसा कैसे है, ये पॉसिबल कैसे हुआ कि जब पूरा अंधेरा था तो ये कैसे संभव हुआ कि इससे एक भी दाना नहीं गिरा। तो वहाँ रिस्पॉन्स था उनका जी, जो ये लोग ना हर रोज़ इसी पत्ते में खाते हैं, चाहे अंधेरा हो या तूफान हो या आँख पे पट्टी बांध दो, अगर इस पत्ते पे इसको रोज़ खाना दोगे तो एक दाना नहीं गिराएगा। सिमिलरली बुक एक ही उठाओ, इतना बार पढ़ो उसको, इतना बार पढ़ो कि उससे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस बुक के लॉजिक, मार्केट में से कोई बुक नहीं का जो सारे चीज़ नहीं बताया है। कोई एक भी बुक उठाओगे ना, चाहे आर एस अग्रवाल हो, एस पी या फिर शगीर अहमद हो, अरुण शर्मा हो, राकेश यादव, सब जो है ना सारी चीज़ें सबने एक ही चीज़ें बताई अलग अलग तरीके से। तुम किसी एक का तरीका फॉलो करो और उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे दे, कहीं से भी दे दे, तुम उसके तरीके से सॉल्व कर सको। ठीक है, बाकी रहा शॉर्ट ट्रिक का, तो वो प्रैक्टिस करते रहो, खुद ब खुद ही आ जाएगा। नहीं आता तो टीचर हैं ही हम लोग, जैसे इतने सारे यूट्यूब चैनल से सब अलग अलग ट्रिक सिखा रहे हैं, तो सीख ही जाओगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा ले, धारिता हो ही गया, टैंक की कैपेसिटी होगी, एक आया छोड़ के गया। अब देखते हैं इसका, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन रहेगा तो उसको नेक्स्ट पार्ट में फिर अपलोड करेंगे। ठीक है, इसी के बेसिक पे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, कि छोड़ के चला गया वो भी कर ही दिया, एफिशिएंसी भी हो ही गया है, सारा तो हो ही गया, एफिशिएंसी डन, लीकेज डन। लीकेज का क्या, आप देखो एक टैंक खाली कर रहे हैं, आप टैंक को हटा के और क्वेश्चन हम चेंज करके मान देते कि एक होल है, वो भी वही चीज़ है ना, कि लीक ही तो हो रहा है, एक खाली कर रहा है या लीक से खाली हो, लॉजिक तो सेम ही लग जाएगा। अगर मान लो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, एक टैंक है जो 10 मिनट में भर देता है टैंक को, ठीक है ना, लेकिन उसमें एक छेद होने के कारण, बिकॉज ऑफ होल, होल HOLE नॉट WHOLE, होल उसे लग गए 12.5 मिनट। ठीक है, 12 मिनट करो या 12.5 कर देते हैं, 12.5 मिनट लगे। पहले वो भर रहा था 10 मिनट में, लेकिन जब एक होल आ गया तो उसको भरना पड़ गया 12.5 मिनट, विच मीन्स कि 10 मिनट का कितना वैल्यू होता है सर, 10 मिनट का होता है 10%, 12.5 हो गया 8%। ये सारा फ्रैक्शन वैल्यू पे ही है, बस याद करना है और कुछ नहीं है। अब देखो दोनों का डिफरेंस क्या है, पहले 10% भर रहा था, अब 8% भर रहा है, विच मीन्स कि छेद से कितना खाली हो रहा है, 2% पर मिनट खाली हो रहा है छेद से, है ना, पर मिनट 2% खाली हो रहा है। तो 100% खाली करने में उसको कितना लगेगा, 100% खाली करने तो 100/2 कर देंगे, 50 मिनट में टैप जो है खाली हो जाएगा सी के कारण, छेद के कारण। ठीक है, अब मान लो यही दे दिया कि एक है जो 2 मिनट में
जैसे एक क्वेश्चन ये हो गया, एक होल है जैसे 10 मिनट में भर दे रहा है, एक होल है जो उसको 30 मिनट में खाली कर देता है, ठीक है। एक टैंक में एक एक टैप लगा हुआ है जो 10 मिनट में टैंक को फिल कर देता है, लेकिन एक छेद है जो उस टैप को 30 मिनट में खाली कर देता है। थर्टी मिनट में एम्प्टी कर देता है। क्वेश्चन को समझना, वर्डिंग उसमें लिखना नहीं चाहिए, नहीं तो वीडियो एक्सटेंड होगा फिर प्रॉब्लम दोनों को होनी है। 30 मिनट में खाली कर देता था, अब अगर दोनों को चला जाए तो कितने देर में भर जाएगा? 10 खो गया 10%, 30 खो गया 3.33%। अगर 10 में से 3.33 माइनस करेंगे तो हो जाएगा वो 6.66%, विच इज इक्वल टू 15 मिनट। 6.66 कितना है? 100/15 का वैल्यू है 6.66। सारा कुछ फ्रैक्शन वैल्यू पे ही है और इसमें कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, समझ गए? बस खत्म करते हैं ये फिर। और जो भी अगर मान लो हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं या तो मुझे भेज दिया करो, व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, फेसबुक लिंक दिया हुआ है, जीमेल आईडी दिया हुआ है, जहाँ होता है भेज दो। ओके सो बाय एंड टेक केयर, और पढ़ते रहो यार, बिना पढ़े तो कुछ होना नहीं है, ना मेरा ना तुम्हारा।